Ladies and gentlemen, presenting the Almost Famous! She's no controversial bomb, but she's Bollywood's hot mom to Shah Rukh Khan, Ranbir Kapoor, Rani Mukherjee, Sonam Kapoor and even Aishwarya Rai. So let's meet Bollywood's sexy or hot mama, Smita Jaikar, in her beautiful house on Almost Famous with me, Simi Chandok. Welcome to Almost Famous. Thank you, Simi. Thank you so much. So, Smita, अब मैं तो आपको ऐसे ही जानती हूँ, लेकिन जो हमारे viewers हैं, जो आपके fans हैं, या जो movie buffs हैं, वो अभी आपको देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे, you know, she looks familiar, जानी पहचानी लग रही हैं. ये कौन है? Because ना आपने घूंघट पहना है, ना आपने इतना सारा सिंदूर पहना है, ना बिंदी है, ना साड़ी है. What is this? You know, complete difference. मैं हमेशा इसी तरह से ड्रेसअप होती हूँ. ये शूटिंग से आती हूँ साड़ी घूंघट ये वो सब पहन के. वापस शाम को कहीं जाना हो, अगर फॉर्मल फंक्शन को शादी वादी पर जाना हो, तो वापस मुझे साड़ी से प्लीज़ मुझे साड़ी नहीं पहननी. मैं इतनी थक जाती हूँ साड़ी पहन के, मुझे अच्छा नहीं लगता अभी आजकल साड़ी पहनना. तो आप ये माँ के रोल्स की कैटेगरी में घुसी कैसे थे? हुआ ये कि मैंने शादी के बाद में मैं ज्वाइन हुई ना फिल्म इंडस्ट्री में. मेरी शादी बहुत मैं जब बहुत छोटी थी तब हुई थी, तो बच्चे भी छोटे छोटे थे तब हुए थे. तो मेंटली आई वॉज अ मदर. एक माँ है, इन लॉज है, सब लोग मुझे देखेंगे कैसे. तो एक साड़ी में यू आर कम्फर्टेबल, यू सी. दैट्स हाउ आई थिंक इट स्टार्टेड. बट डिड यू ऑलवेज वॉन्ट टू गेट इनटू एक्टिंग, और वॉज इट जस्ट हैपनस्टेंस? इट एब्सोल्युटली हैपेंड. मैंने कभी सोचा भी नहीं था. आपने ऑलमोस्ट ऑल लीडिंग स्टार्स हैं, वेदर हमारे फीमेल स्टार्स हैं या मेल स्टार्स हैं, सभी के साथ यू नो मॉम का रोल प्ले किया है. वेदर इट्स ऐश्वर्य राय इन हम दिल दे चुके सनम, इवन इन देवदास, रणबीर कपूर, सोनम कपूर, रानी मुखर्जी. तो आपके ये सब, आपके जो बच्चे हैं, बेटे और बेटियाँ, इनके साथ आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं वर्किंग विद देम सो क्लोजली? मे बी वी कैन स्टार्ट विद शाहरुख खान. आई डिड टू फिल्म्स विद शाहरुख खान एक्चुअली, बट देवदास इतनी बार आती रहती तो लोगों को ऐसा लगता कि मैंने ढेर सारे पिक्चर क्या. लेकिन उसमें तो आपका बेटा बिल्कुल बेवड़ा था, सॉरी. उसका कैरेक्टर था बेचारे का. शाहरुख इज एन एक्सेलेंट पर्सन टू वर्क विद. आई टेल यू सिमी, सेट पर हर एक अच्छा होता है, हर एक्टर सेल्फिश होता है. किसी को अपना सीन स्पॉइल नहीं करना है. अगर सीन अच्छा होना तो सामने वाले के साथ आपको कोऑपरेशन करना ही पड़ेगा. एंड समहाउ मेरी केमिस्ट्री हर एक्टर्स के साथ बहुत बहुत अच्छी बनी है. सोनाली बेंद्रे, रानी मुखर्जी, सीम्स इन फैक्ट व्हेन वी यूज्ड टू गो ऑन आउटडोर्स, तो ये लोग बच्चियाँ जो हैं मेरे कमरे में आके गॉसिपिंग शुरू कर जाती थी और ये सब, ये ना सारी चीज़ें. अभी क्या 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 कुछ कुछ कहानियाँ उनकी भी होती थी अपनी, वो मुझे अब याद नहीं है, बिकॉज आई नेवर कीप ऑल दैट इन माय माइंड. मतलब यू वर एग्नी एंड स्टोरी. लिटरली आई बिकम अ मदर इंडिया, लिटरली, यू नो. और सभी की, ऑलमोस्ट सभी की माँ बन चुकी हूँ मैं, इंक्लूडिंग सुनील शेट्टी. ऑल अबाउट देयर लव सीक्रेट्स, बट आई डोंट नो इफ शी विल शेयर देम विद अस. नो, आई वाज इंक्लूडिंग सुनील शेट्टी. अनिल कपूर वाज इन कॉलेज विद मी. आई पेड हिज मॉम टू. मैंने आमिर की मदर का रोल किया था सरफरोश में. और ये गलत है कि वो इंटरफेयर करते हैं. आमिर डजंट इंटरफेयर इन सीन्स, ही इम्प्रूव्स द सीन्स. ओके, आपने देखी है उनकी पिक्चर्स, सभी ने देखी है, एंड यू सी रिजल्ट क्या है पिक्चर का. तो इसको आप इंटरफेयर करेंगे? मैं बोलूंगी इंटरफेयर करो अगर पिक्चर इतनी अच्छी बनती है यार. Correct. लोगों को जो बोलना है बोलने दो, इंटरफेयर तो. सो बेसिकली आमिर इज अ फेयर, वेरी वेरी फेयर एंड एक्सेलेंट पर्सन टू वर्क विद. तो जहां पर हमारे करंट सुपरस्टार्स हैं, वेदर इट्स शाहरुख खान, आमिर खान, एंड देन यू हैव स्ट्रेट जंप टू समबडी लाइक रणबीर कपूर. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? शाहिद, शाहिद के साथ अगर मैं कहूँ पहले, तो शाहिद जब बिल्कुल छोटा था, आई वॉज अ कॉम्प्लान प्रोडक्ट. यस, दैट एड वी डन. एंड आयशा टाकिया एंड शाहिद were little, little children. So now they've grown up and I've played their mom again, once again. Ranbir is a friend of my son's from school or from wherever, I don't know. And Ranbir too, I mean, he used to call me Smita aunty first, you know. You have also worked with somebody like Aishwarya Rai. In fact, that is probably one of the best mom and daughter movies we've seen in the recent times, you know. Yeah. What was your experience doing that movie? Obviously, you had a very important role in that, and yeah. Aishwarya's whole connection with you in that movie, Hum Dil De Chuke Sanam. Yeah, I have to thank Sanjay Bhansali for that, because I never expected that role will turn out to be so good, the movie will turn out to be so good. Aishwarya and I used to sit and chat a lot on the sets, because we were together most of the time.
And I don't know if many people know about it, but she's got a spiritual bend to her also. Abhi pata nahi how she's grown out to be, but every person is somewhere down the line, you know. So we used to talk a lot on all these things in those days. What about Rani Mukherjee? You also played her mom. Yeah. Rani is another very funny girl. And she's very bubbly and all that. Really? You know? Log toh kehte hain ki she's a very serious actress. So no, actress-wise, she's very serious. Actress, she's very dedicated to her acting and all that. Mm-hmm. But otherwise, she's quite a dhamal and quite fun-loving and all. She'll come and sit on my lap and you know what not. I did so many films with Rani. 4-5 films I did with Rani. Dekho, stars aapko hasate hain, lekin aap toh hame movies mein rulati hain because you're always bringing these bonds and all these emotional scenes. So aap toh logon ko rula deti hain, Smita. No, no, Ajab Prem ki Gajab Kahani, I didn't make people laugh. Haan, then... Wo aapka bahut achha role tha, jahan pe aap Ranveer ki ekdam helpless mom thi, nikam mein bete ki. Lekin wahan pe ek shaitan mom bhi thi, jo Navneet Nishan ne play kiya. So I'm just going to come to that, ki aajkal jo stereotype mom hai, wo change ho rahi hai. Aur aajkal thodi shaitan aur naughty moms aa rahi hain. Jaise ki abhi humne Vicky Donor mein dekha, there are two moms, one is the grand mom and one is the mom. और वो लगा रही हैं अपना ड्रिंक और यू नो दे आर सो नॉटी विद ईच अदर सो विकेड बट दे आर सो फनी फॉर द ऑडियंस सो हैव यू वॉच्ड दैट मूवी विकी ओह यस यस आई लव्ड इट व्हाट डू यू थिंक ऑफ दोस टू मॉम्स द मॉम एंड द ग्रैंड मॉम आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी शुड हैव मोर मॉम्स लाइक दिस इन रियल लाइफ एंड इन रियल लाइफ हैव चिल्ड आउट मॉम्स डोंट हैव दोस स्टीरियोटाइपिकल मदर बोलो तो मतलब उसको किचन ही संभालना है बच्चों को यही करना है वो अबला नारी बिचारी सफेद साड़ी पहन के मशीन चलाना ये सब वो गया जमाना यू नो अगर मेरी मदर लॉ ऐसे बैठ के पिएंगी तो मैं बहुत खुश होंगी हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली नो वाई विथ मी मैं और मेरी बहू शी लव्स टू हैव अ ड्रिंक सो वी शेयर अ ड्रिंक मेनी अ टाइम्स एंड वी ऑन अ हॉलिडे एंड ऑल दैट नॉट हियर बिकॉज आई कैन हैंडल इट हियर बट ऑन अ हॉलिडे वी ऑल ऑफ अस सिट एंड हैव अ ड्रिंक टुगेदर तो मतलब अभी आपको एक कोई नॉटी मॉम का या नॉटी मदर लॉ का रोल आता है तो ये तो नेचुरली आएगा आई वुड लव टू डू इट ऑनेस्टली ये स्टीरियोटिपिकल रोल्स जो मुझे मिलते हैं ना उस इमेज से मैं हटना चाहती हूँ बट ये क्यों है इज इट बिकॉज ऑफ द वे यू बीन लुकिंग इन ऑल द मूवीज या फिर आपको लगता है कि शोबिज एंड बॉलीवुड समझता है कि माँ को ऐसे ही होना चाहिए मुझे ऐसे लगता है बट दैट इज सो अनफेयर आप माँ है मैं माँ हूँ हम लोग तो रियल लाइफ में ऐसे नहीं है एग्जैक्टली इफ वी हैव टू टॉक अबाउट योर स्क्रीन चिल्ड्रन तो आपका सबसे फेवरेट बेटा कौन है बॉलीवुड का अभी ये सवाल ऐसे मत पूछो ये कोई सच्ची की माँ थोड़ी है कि एक बच्चा आपको कह रही हूँ कि बता दो कौन है एंड इन टर्म्स ऑफ योर एक्टिंग और द रोल्स दैट यू हैव डन व्हिच हैज बीन योर मोस्ट प्लेजेंट रोल विद अ मेल स्टार एम आई अलाउड टू मेंशन टू Of course, if you one girl and one boy, but of course I cannot stop you. But sabhi ko mat keh dena. No, I enjoyed my work with Aamir when I did Sarfarosh. I've done just one film with him, which is what I'm feeling sad about. I wish Aamir, I could do please, beta banjao fir se, aur is time modern mom ke bete banna. Haan, please. Okay. And another person I like to work with is Ritik. Somehow he gives a very good vibe. वो कितने क्यूट से लगता है ना जैसे आपके भी बच्चे ऐसे हैं मैं भी जब उसको देखती हूँ मुझे मेरे नेव्यूज याद आते हैं एंड आई ऑलवेज फील देयर समथिंग सो क्यूट अबाउट हिम समथिंग वेरी नाइस अबाउट हिम सबको सीनियर्स को आके पहले सेट पे आके सबको हेलो करेंगे नमस्ते करेंगे नो विच नॉट वेरी मेनी पीपल डू स्पेशली व्हेन यू आर बिग तो चलो अभी हमने आपके दो फेवरेट बेटों के बारे तो जान लिया अब आपकी स्क्रीन बेटी कौन सी फेवरेट है आई हैड एंजॉयड वर्किंग विद सोनाली बेंद्रे इज इट द होल महाराष्ट्रन कनेक्शन नो नॉट बिकॉज़ ऑफ दैट इन फैक्ट काजोल एंड आई स्पीक मराठी ऑन द सेट यस यू हैव डन अ मूवी विद हर एज़ वेल स्मिता अभी आप अनिल कपूर की बात कर रहे थे कि आपने एक मूवी में अनिल कपूर की मदर का रोल प्ले किया है एंड फ्रॉम व्हाटएवर वी वर टॉकिंग आई नो दैट अनिल कपूर एंड यू आर इन कॉलेज टुगेदर यस सो ये बॉलीवुड का क्या स्ट्रेंज you know, एक ritual है, एक फंडा है कि you are the same age but hero बेटा बन जाता है और you know माँ बेचारी माँ ही बनी रह जाती है दिस इज समथिंग व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट बॉलीवुड कि आप स्टीरियोटिपिकल बन जाते हैं आप माँ है तो आप किसी की भी माँ बाप बन सकती है ना एक पिक्चर मुझे उस वक्त आई थी आई वाज आस्किंग मी टू प्ले मिथुन दास मदर ओह माय गॉड एंड ही इज ओल्डर देन यू ओल्डर देन मी एंड दैट टाइम आई वाज नॉट इवन दिस ओल्ड यू नो दैट आई वाज टॉकिंग सम सो मेनी इयर्स अगो आई सेड यू आर मैड और व्हाट तो आप अनिल को कॉलेज से जानती हैं अनिल कपूर को और वहां पर आप विग लगा के अपने बाल सफेद करके जबरदस्ती की सीनियर सिटीजन बनी बिल्कुल हाउ ऑकवर्ड वाज इट इन द बिगनिंग लकीली आई डोंट गेट इनटू दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू नो Hmm. I said, I'm just playing a role, it doesn't matter to me. Dwell with it, you know, whatever it is. एक सीरियल ना एक साल से ऊपर नहीं चलनी चाहिए ये एक रूल बनना चाहिए वरना एक छः छः सात सात साल कोई जिंदा हो जाता है कोई मर जाता है यहाँ मैं घर भर के लिए मैं कर रही थी अभी तो वो रोल बड़ा फेमस सा हो गया था यू नो बहुत सारे लोग पर अभी सीरियल चल रहे हैं मैं उसमें से निकल चुकी हूँ तो क्यों निकली है Presenting the almost famous.
बॉलीवुड को माँ की ऑब्सेशन इतनी ज्यादा है कि जब भी कोई लड़की कमबैक भी करती है उसे माँ क्यों बना देती है? बिकॉज इट आई थिंक आवर ऑडियंसेस डोंट एक्सेप्ट, दे कांट एक्सेप्ट अ मैरिड वुमन रोमांसिंग विद समबडी. हमारा कल्चर वो है, मदर शुड बी अनटार्निश्ड कम्प्लीटली. अगर वो टार्निश्ड है तो फिर वो वैम्प हो जाती है. दैट वी हैव टू आउटग्रो. वी हैव टू टीच इंडियंस नॉट टू थिंक इन सच अ कंजर्वेटिव काइंड ऑफ अ वे. आप टीवी सोप ऑपराज भी करती हैं और आप मूवीज भी करती हैं. विच इज द मीडियम यू एंजॉय मोर? इफ यू जस्ट आस्क मी जस्ट नाउ टू ऑप्ट बिटवीन द टू, आई विल से फिल्म्स. इफ आई डू अ फिल्म टुडे, इवन आफ्टर आई डाई 20 इयर्स आफ्टर आई डाई 30 इयर्स आफ्टर आई डाई, स्टिल दैट फिल्म विल बी देयर. बट वो तो फिल्म अगर एक दो साल में एक आई तो आई, ठीक है, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है. लेकिन अगर आप टीवी सीरियल्स कर रही हैं तो आप रोज किसी के बेडरूम और लिविंग रूम में आ रही हैं फ्री में, तो डोंट यू थिंक दैट इज बेटर? या सी देयर आर प्रोज एंड कॉन्स. आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट. लाइक इफ यू आस्क मी फर्स्ट हैंड आई विल से फिल्म्स, बट देयर आर प्रोज एंड कॉन्स. इफ यू डू टेलीविजन यू बिकम फेमस इंस्टेंटली, ओके, बट पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट. एक बार वो सीरियल खत्म हो गए एंड नाउ वी आर नोन फेसेस, सो पब्लिक को याद है कहीं ना कहीं. बट यू सी दिस न्यू एक्टर्स, नए एक्टर्स एक टेलीविजन सीरियल में आ जाते हैं, बड़े बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, उसके बाद गायब. करेक्ट. यू डोंट सी देम, दे गॉन, फिनिश. इनफैक्ट जैसे कि अभी जूही पारमार भी हैं, उन्होंने एक ही सीरियल 7 years किया है. या आई वुड ऑल्सो, अगर मेरा रोल कोई, अभी यहाँ मैं घर पर के लिए मैं कर रही थी अभी, तो वो रोल बड़ा फेमस सा हो गया था, यू नो, बहुत सारे लोग, बट अभी सीरियल चल रहे हैं, मैं उसमें से निकल चुकी हूँ. तो क्यों निकली है? मेरे बच्चे की शादी थी तो इसके लिए आई वांटेड टू डाई इन दैट सीरियल. आप कितनी सैक्रिफाइसिंग मॉम है, आप अपने बच्चे के प्यार के लिए आप मरने के लिए भी तैयार है और आपने अपनी लाइफ तक दे दी उनके लिए. नहीं, वेरी ऑनेस्टली सिमी, एक सीरियल ना 1 साल से ऊपर नहीं चलनी चाहिए, ये एक रूल बनना चाहिए. वरना 6-7 साल कोई जिंदा हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई इधर से आता है, दोबारा आ जाता है, हाँ, कोई डबल रोल में आ जाता है, कुछ नहीं हो जाता है. I mean, what is happening? This is the lifestyle you've had. You've always lived in South Bombay. ज़्यादातर South Bombay के लोग, they are not into films or acting, more so TV. How do you manage to bridge the gap कि यहाँ से जाना इतनी दूर और एक completely different culture में fit in होना? You know, yeah. Your husband is a leading lawyer of India. When I started acting, I actually myself didn't even realize मुझे बाप रे इतना लंबा जाना पड़ेगा. तब privatization भी नहीं हुआ था. It was only Doordarshan. So we used to be seen once in a while. Wow, Doordarshan. You know, it was like an excitement earlier on, initially. And traffic was not so bad, Simi. Abhi, the crowd and there's too much of a bheed on the road. Lekin even jo aapke TV actors hain, you know, hum log newspapers mein bhi padh rahe hain that jitne bhi crimes wagera bhi ho rahe hain, they involve so many TV people, you know, from that kind of background. To aap kaise fit in hoti hai? How do you manage the balance? You know, Simi, I have not done too much television after my films. A full-fledged serial was this, Yahan Main Ghar Ghar Ke Liye with Rajshri. हमारे सेट पे जो थे सब वर एजुकेटेड, कमिंग फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड, यू नो, ऑल ऑफ देम. इस तरह का चीप बिहेवियर वाला कोई नहीं था अभी तक तो. स्मिता, एक और बात है, जब भी मैं सीरियल्स देखती थी, आई टू ऑलवेज सी कि जो बहू है, जो सास है, वो इतना सारा मेकअप, इतना सारा आई शेडो, इतनी सारी हैवी बॉर्डर वाली साड़ी और इतने बड़े कुंदन के सेट्स पहन के, ये वो रात को सोते कैसे, इनको नींद कैसे आती है वो सीन में, डायरेक्टर क्या कर रहा होता है? टेलीविजन में रोज आपको कम से कम 20 मिनट्स का टाइम, एडिटेड टाइम वाला आपको शूट करना ही पड़ता है. उसमें अगर वो मेकअप निकालेगी, बाल फिर से बनाएगी, वो सब करेगी, सब सिंपल साड़ी जो भी है औरत, एंड फिर से किसी और सीन में शाम के वापस वो सब, इतना टाइम कहाँ है भाई? पता नहीं, ये ना हो कि देख देख कर इंडिया में सभी बहुएं और सभी सासें अपने कुंदन के सेट्स पहनकर, भारी भारी जरी वाली साड़ियां पहनकर सोने लग जाएं. आदमी दुखी हो जाएंगे, सब कुछ उनको चुपता रह जाएगा. Why do they call you the bombshell, the hot sexy mom of Bollywood? They say you're a very you're very elegant and you're very sophisticated. Is tarah ke jo naram naram you words. Nahi, humne to hot and bomb and sexy suna hua. Presenting the almost famous. To Smita, abhi humne baatcheet bahut kar li, ab aapka jo ghar hai wo hamare viewers ko dikhate hain. Jab hum aapka ghar dikhayenge to aapki other side bhi dikh jayegi hamare viewers ko, which probably they don't know. Main to yahan par aksar aapke ghar pe aati hu because itne sare spiritual sessions hote hain, har saal aapki gauri puja hoti hai, which I never like to miss. Hamare viewers ke sath aapka share kijiye jo aapke favorite corners hain, jo aapke sare bhagwan hain yahan par hamare paas. These are the things actually we've picked up. My husband is very fond of this. और जहाँ पर वो जाते हैं वो एक कुछ चीज़ें पिकअप करते हैं. ये है चांदी की मूर्ति गणेश जी की
और उसकी सूंड अगर आपने नोटिस की है वो राइट साइड पे जाती है, वो सिद्धि विनायक जैसी। ये हमने द्वारका से लिया, ये वहाँ पे बनाते हैं ना, हाथ से बनाते हैं। इट्स लाइक थ्री डायमेंशनल काइंड ऑफ अ पीस। इट्स अ कृष्णा, इट्स अ कृष्णा फ्रॉम गुजरातीज बिलीव इन दिस द्वारका। ये है पंचमुखी मारुति, हनुमान की जो पंचमुख है। ये ऐसी मूर्ति आपको कहीं नहीं दिखेगी, ये मंदिर भी कहीं नहीं होते। सो ये रेयर पीसेस विच माय हस्बैंड मोहन हैज यू नो ही पिक्ड इट अप। ये मुझे लगता है कहीं दिल्ली से ली है उन्होंने। तो आप इतनी स्पिरिचुअल कब हुई, कैसे हुई? एंड यहाँ पर अक्सर आपके घर में मैं आती हूँ, देखती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं यहाँ पर। आप बिना खाना खिलाए किसी को जाने नहीं देते हैं। हमारे आज भी पूरे क्रू को आपने नाश्ता खिलाया, चाय पिलाते हैं। तो ये ट्रेडिशन, ये आप में कहाँ से आई ये बात? जैसे मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की उससे तुरंत एक साल बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने मोहन और इंट्रोड्यूस मी टू माय फर्स्ट गुरु। ओके, यू नो, सो दैट्स हाउ इट हैज स्टार्टेड। उसके बाद मैं वनस यूनिवर्सिटी चेन्नई, आई एम विद देम फॉर अबाउट 18-19 ईयर्स। वहाँ से मैंने जो कुछ भी सीखा, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस वहाँ पे मुझे बहुत 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 ट्रांसफॉर्मेशंस मेरे अंदर हुई हैं। किसी दिन मैं तुमको बताऊँगी, सिमी विल नॉट बिलीव, जो मैं थी और आज भी बताइए। नहीं, वो एक बड़ी लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताइए। नो, आई हैज टू बी वेरी एंग्री फ्रस्ट्रेटेड काइंड ऑफ अ पर्सन। उसके पहले यू नो, जैसे जॉइंट फैमिली में रहते थे, शॉर्ट टेम्पर, इंपेशेंट, वेरी शॉर्ट टेम्पर, मतलब यू विल नॉट बिलीव। मैं गुस्से में अपने दीवार पे सर पटकती थी, बच्चों ने मुझे देखा है। इस तरह का एक फ्रस्ट्रेशन था, एंगर था, क्या क्या। उसमें से मैं इतनी बदल चुकी हूँ, जो जैसे थी और आज मैं हूँ उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे वननेस के थ्रू मिला। That inner transformation has to happen, because unless that happens, then it doesn't work. And today I hold one day workshops, which you know, आज मैं one day workshops. आपकी website भी बना रहे हैं आप? मैं website बना, मेरी एक हफ्ते के अंदर website तैयार भी हो जाएगी, launch हो जाएगी. That is not for your career or anything. It's no, for spirituality. No, that is my spiritual website. तो वहाँ पे आप क्या दिखाएंगी, क्या बताएंगी? मेरी पूरी journey है, and basically मेरे workshops जो हैं, जो मैं globally जाना चाहती हूँ उस workshops के अंदर, I want to do these oneness workshops so that I can help people. बेसिकली मैंने एक ट्रस्ट फॉर्म किया है, न्यू लीफ ट्रस्ट। ओके, तो उस ट्रस्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रस्ट इज बेसिकली एजुकेट चिल्ड्रन। जो म्यूनसिपैलिटी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको कभी कभी, वो बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, बड़े टैलेंटेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन पैसे नहीं होते उनको आगे एजुकेशन लेने के लिए। सो आई एम गोइंग टू हेल्प दोज चिल्ड्रन। नाइस। फीडिंग पीपल, ये मेरा एक, आई कांट लेट पीपल गो विदाउट हैविंग। मुझे भी अक्सर डांटती हैं आप, मैं ना हरी और मैं यहाँ पे आती हूँ किसी पूजा वगैरह पे, और फिर आप कहती हैं नहीं, यू कैन नॉट लीव विदाउट ईटिंग। खाली पेट कुछ नहीं होता, भगवान का की पूजा भी नहीं होती खाली पेट, ऊपर वाले की दया से। अगर मेरा न्यू लीफ ट्रस्ट बहुत बड़ा बढ़ गया, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ ओल्ड एज होम। वाओ, दैट इज अ वेरी नाइस आइडिया। तो यहाँ पे तो आपके जो गॉड्स हैं आप दिखा रहे हैं, आप कहीं पर आरती करते हैं, पूजा करते हैं, और जो हमारे साथ हेयर ड्रेसर है हमारी, वो हमें बता रही थी कि वो जिस विलेज से है महाराष्ट्र से, वो वहाँ पर आपको पूछते हैं, दे आर सो प्राउड दैट यू नो यू आर अ स्टार एंड यू आर अ महाराष्ट्रियन एंड दैट यू आर अ सेलिब्रिटी। वो कहती हैं कि वहाँ पर आपको पूजा जाता है। इट इज़ नाइस टू हियर दैट, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू द व्यूअर्स इफ दे थिंक लाइक दिस। एंड यस, ऑल्सो आप तो ऐसे साड़ी वाड़ी पहनती हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत सेक्सी परसीव किया जाता है। व्हाई डू दे कॉल यू द बॉम्बशेल, द हॉट सेक्सी मॉम ऑफ बॉलीवुड? नो, नोबडी यूज दिस वर्ड सेक्सी। They probably say that, no, not even hot, they're very cool. Yeah, they say you're a very, you're very elegant and you're very sophisticated. Is there a case of naram naram you word? No, no, we've heard hot and bomb and sexy. I'm glad that our viewers have seen this side of you, and thank you so much for letting us, with Zoom, almost famous, glance into your world. You've been so nice and patient, so wonderful talking to you, Smita. Thank you very much. Thank you, thank you.